और आगे बढ़ेंगे बड़ी अपडेट के साथ। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की नकेल दिखाई दे रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, मंत्रीगण सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में परिवार का हस्तक्षेप न हो, परिवार के किसी सदस्य का हस्तक्षेप न हो, यह मंत्रीगण सुनिश्चित करें, मुख्यमंत्री का निर्देश। आपको बताएं कि लगातार हमने दिखाया है कि कैसे मत्स्य विभाग के मंत्री के पुत्र मीटिंग लेते दिखाई दिए, निरीक्षण करते दिखाई दिए, और अब मुख्यमंत्री का ये निर्देश। फोन लाइन पर है हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा। शैलेश, मुख्यमंत्री के निर्देश के बारे में और विस्तार से बताएं। शैलेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम शैलेश से बात करेंगे, बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करेंगे शैलेश से। बहरहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि परिवार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, मंत्री सुनिश्चित करें कि कामों में परिवार का हस्तक्षेप ना हो, काम पूरी ईमानदारी के साथ हो लेकिन परिवार का हस्तक्षेप किसी भी तरीके से ना हो, इसके निर्देश खुद मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की ओर से नकेल कसने को लेकर आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ एक बात और उन्होंने साफ कर दी है कि इसमें परिवार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर, मंत्रिपरिषद की बैठक में आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें सभी मंत्री उपस्थित थे, उसमें मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। मंत्रीगण शुचिता बरते सार्वजनिक जीवन में, भ्रष्टाचार को लेकर सख्त दिखाई दिए मुख्यमंत्री। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेश, हम बात कर रहे थे, आज ही आपने सवाल पूछा मंत्री संजय, डॉक्टर संजय निषाद से, और फिर आपने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संज्ञान लिया जा सकता है जो कुछ हुआ है, और अब मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश भी आ गया कि परिवार के लोग इन्वॉल्व न हो शासकीय कार्यों में। देखिए, ये एबीपी गंगा की ताकत है, एबीपी गंगा की आवाज है, एबीपी गंगा की अपनी बात कहने का तरीका है। याद करिए, आज दो कार्यवाही हुई। विनय पांडे जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, चार साल से वो जमे हुए थे। जब पेपर लीक आउट वाला मामला हुआ था तो एबीपी गंगा ने सवाल किए थे उनसे और पूछा था कि जो लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है पेपर लीक मामले में, उसमें आप जिम्मेदार हैं या नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आज वो निलंबित हो गए, उन पर कार्यवाही हो गई और उनको निलंबित कर दिया मुख्यमंत्री ने, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक विनय कुमार पांडे को। और संजय निषाद के पुत्र सांसद संत कबीर नगर प्रवीण निषाद, जिस तरीके से सचिवालय में, सचिवालय के बाहर पीलीभीत में अधिकारियों के, मछली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, वो तस्वीरें जारी होती हैं, खुद वो ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में ऐसे सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। और संजय निषाद आज एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए बचते नजर आए, और बचते नजर आने में भी जब मैंने उनसे सवाल किया, एबीपी गंगा ने सवाल किया कि क्या किस हैसियत से आपके पुत्र संत कबीर नगर। ठीक है वीरेश, लेकिन कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर भी बहुत सख्त दिखाई दिए हैं, और मंत्रियों का सार्वजनिक जीवन में शुचितापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के भी निर्देश हैं। वीरेश, निश्चित रूप से ये जुड़ा हुआ मामला है। एबीपी गंगा ने जब चीजें प्रकाश में लाया तो आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि शुचिता पवित्रता का निर्वहन मंत्री जरूर करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी वन योगी टू सरकार में इसको बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। योगी वन में रखा गया, इसको रखेंगे। इसी भावना के अनुरूप सभी मंत्रीगण शपथ लिए हैं और अगले 3 माह की अवधि के भीतर अपने परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें, यानी पारदर्शिता बरतें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। एबीपी गंगा ने इस बात को उठाया कि कैसे उनके पुत्र जाकर बिल्कुल 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 वीरेश जी,